और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज महाकाल मंदिर में पूजा अर्चन की है और पूजा पाठ करने के बाद से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मन्नत भी लोगों के लिए मांगी है। तो महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने सपरिवार के साथ पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में सीएम भी जुड़े थे, क्योंकि 87 बीजेपी नेता ऐसे बताए जा रहे थे जो कि अलग अलग जगहों से भोलेनाथ के मंदिर में आज पूजा अर्चना करेंगे। और ठीक वैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोलेनाथ के दर्शन किए, महाकाल मंदिर में जाकर के और पूजा अर्चना की। तो महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की गई सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। पीएम मोदी के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जुड़े थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की, जिस दौरान पूजा अर्चना करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचे थे। महाकालेश्वर मंदिर की ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम में सीएम जुड़े थे। नाथ के दर्शन कर और वहां आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ अनेकों विकास के कामों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है। और न केवल लोकार्पण किया है, बल्कि जिस ढंग से उन्होंने देश को संबोधित किया है, ऐसा लगता पूरा राष्ट्र उठ के खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र तो हैं ही, लेकिन शंकर वो जो कल्याण करे सबका, तो वो भी लोगों के कल्याण के काम में लगे हैं। हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति, सनातन धर्म और आदिगुरु शंकराचार्य जी तो इस देश को सांस्कृतिक रूप से एक करने वाले हमारे संत हैं। इन सब परंपराओं को निभाने वाले और अगली पीढ़ी तक ठीक से पहुंचाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। केदारनाथ के